कोरोना संकट अब भी बरकरार है। ग्वालियर अंचल में संक्रमण नियंत्रित होने के बजाय दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है। अभी सामाजिक गतिविधियों पर कई तरह की प्रशासनिक बंदिशें लगी हैं, लेकिन राजनीति बगैर किसी प्रशासनिक हुक्मनामे के अनलॉक हो गई है। कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी उपचुनावों के मद्देनजर जोड़ तोड़कर राजनीति कर रहे हैं। भाजपा व कांग्रेस ने उपचुनाव के लिए पत्ते खोलने शुरू कर दिए हैं। जबरदस्त टक्कर ग्वालियर चंबल संभाग के इन इलाकों में होती हुई नजर आ रही है। भाजपा व कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगाकर ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर जीत दर्ज कराने की कोशिशों में लग गई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने महल की काट के लिए बालेंदु शुक्ला की कांग्रेस में वापसी करा दी। कांग्रेस उनका इस्तेमाल सिंधिया समर्थकों को कांग्रेस से जोड़े रखने के लिए करना चाहती है। दूसरी तरफ भाजपा उपचुनाव से पहले कांग्रेस को अंचल में घुटने के बल लाने की रणनीति बना रही है। भाजपा में शामिल होने के बाद बस अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के नगर आगमन का इंतजार है। राजनीति में दोस्ती दुश्मनी स्थायी नहीं होती, सब परिस्थितियों के आधार पर होता है। बालेंदु शुक्ला की घर वापसी में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नजदीकी डॉक्टर गोविंद सिंह की प्रमुख भूमिका रही। माधवराव सिंधिया के कार्यकाल में बालेंदु ही गोविंद सिंह की लाइन काटते नजर आते थे, इसलिए माना जा रहा है खास राजनीतिक लक्ष्य के लिए दिग्विजय के इशारे पर बालेंदु की घर वापसी का रास्ता खुला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने अनौपचारिक चर्चा के दौरान स्वीकार कर लिया है, महल से नाता तोड़ने के बाद बालेंदु की राजनीति काफी दयहीन हाल में थी। इसका मूल कारण उनका जनाधार रेत के भांति हाथ से खिसक जाना था। आपको बता दें, बालेंदु शुक्ला की कांग्रेस में वापसी के दो कारण हैं। पहला, अंचल में ब्राह्मण नेता की तलाश। दूसरा, उपचुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के नगर आगमन पर बड़े पैमाने पर कांग्रेसियों का भाजपा में पलायन रोकना। अब जो जानकारी मिल रही है कांग्रेस की तैयारियों के बारे में हमने आपको बता दिया, जरा भाजपा की ओर रुख करते हैं। उपचुनाव की तैयारी के लिए भाजपा मैदान में है। जौरा विधानसभा सीट को छोड़कर उम्मीदवार फाइनल है। भाजपा उपचुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस को कड़ी शिकस्त देने की तैयारी कर रही है। सिंधिया के नगर आगमन को राजनीतिक तौर पर प्रभावी बनाने की तैयारी चल रही है। उपचुनाव से पहले अंचल में बड़े स्तर पर कांग्रेसियों को भाजपा में शामिल कराने की तैयारी है। चर्चा है लॉकडाउन के समय भी सिंधिया के साथ भाजपा नेता तैयारियों में जुटे रहे। कांग्रेस कार्यकर्ता किस ओर करवट लेंगे, ये जानना सियासी गलियारों में सिंधिया के पहले नगर आगमन का इंतजार है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।